अभी सब्सक्राइब कीजिए माई टेक सपोर्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि हम आप तक पहुंचा सकें लेटेस्ट टेक्निकल वीडियोस सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई टेक सपोर्ट चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड फ़ोन के बेस्ट वीडियो प्लेयर के बारे में। वैसे तो फ्रेंड्स हम लोग जानते ही हैं एमएक्स प्लेयर एंड्रॉयड फ़ोन के लिए सबसे बेस्ट वीडियो प्लेयर है, लेकिन फ्रेंड्स मैं आज जिस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, तो यहां पर हमें एमएक्स प्लेयर से भी ज़्यादा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, इसीलिए मैं इसको बेस्ट प्लेयर बोल रहा हूं। तो टाइम ना ख़राब करते हुए देख लेते हैं इस वीडियो प्लेयर को। सो फ्रेंड्स, जिस वीडियो प्लेयर के बारे में हम बात कर रहे थे वो है एस प्लेयर। फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो प्लेयर को डाउनलोड करना है तो फिर आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, क्योंकि वीडियो के एंड स्क्रीन पे इसका डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो देख लीजिए और इसको बाद में डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस एप्लीकेशन को मैंने पहले से इंस्टॉल करके रखा हुआ, तो चलिए यहाँ से अब स्टार्ट नाउ पर क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं जो इसका इंटरफेस है, बिल्कुल सिंपल सा इंटरफेस है, एमएक्स प्लेयर की तरह ही इसका इंटरफेस है। यहाँ पर हमारी सारी वीडियोस फोल्डर वाइज शो हो रही हैं। यहाँ से हम अपनी फाइल व्यू को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही अगर हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसके मेनू पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले प्लेयर का ऑप्शन दिया गया है, इसके बाद सबटाइटल का ऑप्शन है, हिस्ट्री का ऑप्शन है, फेवरेट का ऑप्शन है, इन्वाइट फ्रेंड्स, आप यहाँ से अपने फ्रेंड को भी इन्वाइट कर सकते हो। साथ ही यहाँ पर अगर हम इसकी सेटिंग पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास फीचर्स नहीं है। तो चलिए फिलहाल हम यहाँ से बैक हो लेते हैं और एक सॉन्ग को प्ले करके देख लेते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल ही एमएक्स प्लेयर की तरह इसका इंटरफेस है, उसी की तरह हमारा जो सॉन्ग है वो प्ले हुआ है। तो यहाँ पर हम चाहें तो राइट साइड से इसकी वॉल्यूम को घटा बढ़ा सकते हैं, साथ ही लेफ्ट साइड से इसकी जो ब्राइटनेस है उसको कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऊपर राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक सबटाइटल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर एक प्लेलिस्ट दिया गया है, इसके अलावा यहाँ पर एक मेनू का ऑप्शन भी दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम सबटाइटल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर अगर हमारा कोई सबटाइटल होता है तो वो यहाँ पर शो हो जाएगा, हम उसको शो कर सकते हैं या फिर उसे हाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर इसके प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हैं तो हमारे जितने भी सॉन्ग हैं इस प्लेलिस्ट में तो वो यहाँ पर सारे ही सॉन्ग हमको नजर आएंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम थ्री डॉटेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें थ्री ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ शेयर का ऑप्शन दिया गया है, आई प्रोटेक्शन मोड दिया गया है, यहाँ पर फ्लोटिंग विंडो का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जो मुझे इस प्लेयर का सबसे बेस्ट फीचर लगा वो यही लगा कि यहाँ पर हमें आई प्रोटेक्शन मोड भी मिलता है, जो कि हमें एमएक्स प्लेयर में नहीं मिलता है। साथ ही यहाँ पर हमें जो फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन मिलता है तो ये भी हमें एमएक्स प्लेयर में नहीं मिलता है। तो यहाँ से अगर हम आई प्रोटेक्शन मोड को ऑन कर देते हैं तो इससे क्या होता है फ्रेंड्स, अगर हम रात में वीडियोज या फिर मूवीज कुछ भी देखते हैं तो हमारी आंखों फेस का ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। साथ ही यहाँ पर अगर हम फ्लोटिंग विंडो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यू विंडो ओपन हो चुका है, और अब हम यहाँ से अपने एस प्लेयर को मिनिमाइज भी कर सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो सॉन्ग है वो हमारी मेन स्क्रीन पे भी आ चुका है, हम इसको चाहें तो कहीं भी मूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम इसकी साइज को इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुझे ये दो फीचर्स जो है इसमें एक्स्ट्रा लगे, जो कि एमएक्स प्लेयर में नहीं है, जो फर्स्ट है हमारा आई प्रोटेक्शन मोड और सेकंड हमारा फ्लोटिंग विंडो। तो इसीलिए फ्रेंड्स मुझको ये प्लेयर एमएक्स प्लेयर से बेटर लगा। उम्मीद है फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और नए वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।